लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। दो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में बसपा के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक व भिंड के पूर्व सांसद रामलखन सिन्हा, कांग्रेस के पाटन से पूर्व विधायक पंडित नीलेश अवस्थी एवं खरगापुर के पूर्व विधायक अजय यादव, मध्य प्रदेश लीगल सेल कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख संगठन प्रभारी अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी सहित 32 से अधिक जनपद सदस्य, पार्षद एवं सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से के बढ़ते परिवार के लिए हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, हमारे शुभंकर प्रभारी जब से नरोत्तम जी के वैसा तरह काम आया है, रोज नित नए हमारे अपने परिवार के खास करके मध्यप्रदेश के हर अंचल से, कोई अंचल बाकी नहीं है। आज हमारे बीच में जो परिवार का हिस्सा बने हमारे बड़े वरिष्ठ नेता और बीएसपी के स्टार प्रचारक है ना, राष्ट्रीय स्तर के, इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में आपके प्रति और श्रद्धा बढ़ी है। हम अपने इस परिवार में श्रीमान रामलखन सिंह जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, भिंड के पूर्व सांसद भी हैं। इसी अवसर पर मेरे साथ विधायक भी रहे हैं नीलेश भाई, 13 से 18 और पाटन के पूर्व विधायक, पूर्व मंडी अध्यक्ष, यद्यपि आप परिवार में से थे और कोपल कहीं और फूट गई थी, वापस हमारे अपने घर में आई है। मैं उसी ले कहूँ कि ये आजकल बडिंग का जमाना है ना, वो एक पेड़ में दूसरा पौधा दूसरा पेड़ का ग्राफ्टिंग हो जाती है, ग्राफ्टिंग होती है, लेकिन ये परमात्मा की दया से वापस यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कार्यनी की भाजपा के विचारधारा के तो मूला है, और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं इस पे भरोसा करके आप हमारे बीच में आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जबलपुर के पाटन विधानसभा से कांग्रेस विधायक रहे नीलेश अवस्थी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नीलेश अवस्थी का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, मैं 24 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई सोच बची है और ना ही कोई विजन। मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय संजय पाठक जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आज मुझे मोदी परिवार का एक सदस्य बनाने के लिए उन्होंने आज मुझे ये दायित्व दिया और मैं आज मोदी परिवार का सदस्य हूँ। और मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रीति नीति है उन सभी से प्रभावित होकर मैंने आज ये निर्णय लिया है, और मुझे लगता है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता के आखिरी व्यक्ति को मिल रही हैं, ये साबित करती है कि जो आज नेतृत्व पूरे देश में उनका हो रहा है, नाम उनका हो रहा है, सिर्फ इसी कारण है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री जिनने जनता के लिए, किसानों के लिए और राष्ट्रहित में जो काम किया है वो सामने आपको दिख रहा है। मैं उनसे प्रभावित होकर आज ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उपेक्षा हुई आपकी जी? उपेक्षा दिशा नहीं है, और दिशा नहीं है, दिशा हमारी पार्टी में समझ में नहीं आ रहे। हम काम भी कर रहे हैं रिजल्ट, लेकिन हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर भी हमने अपने लोगों से जानकारी ली अपनी विधानसभा क्षेत्र से कि मुझे एक भाव आ रहा है, मुझे एक अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आप हमारे पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे रास्ता बताएं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मोदी परिवार के सदस्य बनकर मैं क्षेत्र में आऊं और क्षेत्र की जनता की सेवा बेहतर ढंग से करूं, ऐसे ही मुझे उम्मीद है। देखिए पाटन के जो पूर्व मैं पूर्व विधायक हूँ, विधायक अजय बिश्नोई जी हैं, वो चुनाव हमारे साथ जरूर लड़े हैं, लेकिन हमारे उनसे पारिवारिक संबंध हैं और वो हमारे मार्गदर्शक हैं। अब मैं उनसे मार्गदर्शन लूँगा और उनकी विधानसभा में जैसा वो पार्टी के निर्देश पे देंगे उसका पालन करूँगा। तो
मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं टिकट की आस में आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में इसका वर्चस्व है। मैं कोई प्रलोभन में या लालच में नहीं आया हूँ। मेरे को समझ में आया है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ काम करना बहुत बेहतर होगा, क्यों हम लोगों को जो योजनाएं उनकी घर घर तक पहुँचा सकते हैं, क्रियान्वयन हो सकते हैं, हमारी सुनवाई होगी। और मुझे अपनी पार्टी में इस बात की तकलीफ है कि कहीं ना दिशा है, ना दिशा है, ना नेतृत्व है, और ना हमें समझ में आता है कि हम करें क्या। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है, आज परिवार से जुड़ने का अवसर मिला। मैं सबको आभार व्यक्त करूंगा और पूरी ताकत से, ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए लग जाऊंगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।